ले भी कर। मैं इन बच्चों को क्या फीड में दे रहा हूँ तो आप देखिएगा इस वीडियो के अंदर, और ये मेरा दरवाजा खोलते के साथ ही देखें किस तरह लपक रहे होते हैं। आखिर मैं इनको ऐसा क्या दे रहा हूँ जी, मेरे पास लड़के आने आ रहे हैं खाने के लिए। ये देखें, ये खुद ले जाते होते हैं, इनको सिर्फ मैंने एक को फॉलो करना होता है, इसी एक को फॉलो करो, इस रबट अपने अंदर ले जाते हैं खुद। बाकी असल में हिलते इतने हैं, देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि जिस वक्त बेबीज इस एज में आते हैं तो उनके साथ कई मसले मसाइल आ जाते हैं। अभी आपके सामने ये सही नहीं बैठ पा रहा, अगर इसको मैं इस तरीके से उल्टा भी रखता हूँ तो इसके पंजे देखें, ये वाला काम सही कर रहा है, ये टेढ़ा हो चुका हुआ है, ये पट्ठे की कमज़ोरी की वजह से हुआ है, अगर मेरा कैमरा सही कैप्चर कर पा रहा है तो। इसका ये वाला पैर जो है ये टेढ़ा हो चुका हुआ है, अभी मैंने इसको मेडिसिन देनी है। अगर इसको मैंने खाली अकेले को मेडिसिन दी तो ये तो ठीक हो जाएगा, बाकियों में जो वीकनेस है वो उसी तरह ही रहेगी, वो वीकनेस बढ़ती चली जाएगी वो। तो हमने उसके लिए, अगर मेरा आपको कैमरा दिखाए, ईवियन 400 mg मैंने इस पानी में एक मिनट पहले मेल्ट कर लिया है। हमेशा याद रखिएगा ईवियन जो है वो पानी में मिक्स नहीं होता, क्योंकि वो ऑयली बेस है और ये पानी है। ये इस तरीके से आपने जितना फीड बनानी है ना उससे आधा पानी लेना है और इस तरीके से फीड बनानी है। अभी आपके सामने कटोरी आती है ये पानी की, और जितनी जितनी आपने मिक्स करनी, पहले इसमें सारी फीड मिक्स करनी है आपने, फिर इसमें जितना आपने कंप्लीट बच्चों को देना है, तकरीबन 6-7 बच्चे ये हैं, 9-10 बच्चे ये हैं, ये जितने भी बच्चे हैं सबको थोड़ी थोड़ी सी डोज देनी है। अगर हमने ज़्यादा डोज दे दी, जितनी गर्मी हो चुकी है, तो ये और ख़राब हो सकते हैं। ये हमेशा माइनर सी डोज चाहिए होती है, ये 100 ग्राम का 80 ग्राम का जानवर होता है, वज़न के हिसाब से डोज देनी चाहिए। हमारे 80 किलो के इंसान के लिए 400 ग्राम का mg उन्होंने इवियन बनाया है, तो ये 100 ग्राम के जानवर को तो नहीं ना दे सकते, तो इससे जानवर जो है और एक्सपायर हो जाएगा उल्टा। ये जो दिखाने का मकसद है नोविलेट, इस वक्त इनको आंखों की बीमारी नहीं है फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह, और पैनाडोल, जिस बच्चे को बीमार है, जो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, उसको सिर्फ पैनाडोल दूंगा, बाकी किसी को नहीं दूंगा मैं, ये एंड में डालूंगा मैं। स्टे विद मी, मैं फीड बनाकर दिखाता हूँ आपको। मेरा अगर कैमरा दिखाए तो ये फीड जो है इस तरीके से हमेशा गाढ़ी बनानी है, लस्सी नहीं बनानी, लोग लस्सी बना लेते हैं। मैंने एक सिरिंज भरी है आपको दिखाने के लिए, इसमें किसी किस्म का कोई बबल नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों ने पहली सिरिंज का सिर्फ बबल निकालेंगे ना तो फिर कभी भी बबल नहीं आएगा इसमें, जितनी भी सिरिंजें भरेंगे आप। अब आप ये देखें कि मैंने पूरी कटोरी भर के जो है अपनी फीड बनाई है ये, और इस बच्चे को अलग रखा हुआ है, इस बच्चे को बिल्कुल एंड में दूंगा मैं फीड, इसको मैं एंड में इसलिए से दूंगा, इसमें मैंने ये पैनाडोल सिरप मिक्स करना है। ये देखें मैंने अपने जानवरों को किस तरह सेट किया हुआ है, हमेशा याद रखिएगा इनको इनके पोट में थोड़ी सी भूख रख के जब आप इनको फीड देंगे तो ये आपके पास को लपकेंगे। अगर आप इनको बगैर भूख के ही फीड देते रहेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से नहीं आएंगे। जितने भी बर्ड हैं, कवर्ड बर्ड है आपके सामने, सब कवर्ड हो चुके हुए हैं, ये मेरे पास आते हैं, खुद आते हैं और ये खुद ही लेंगे इंशाल्लाह। ये चेक करिएगा किस तरह लेंगे, ये एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं ये, और जिस तरह से जो खुद भी जाएगा अपने अंदर वो फीड अच्छे तरीके से क्रॉप में जाएगी, वो अभी भी मांगता रहेगा। मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से तमाम बर्ड्स को खिलाते हुए। बस ये था मेरा इस वक्त जो मैंने आपको गाइड करना था, आप अपने बर्ड्स को किस तरह मेंटेन रखते हैं, मेरी दूसरी वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पर, उनको ज़रूर फॉलो करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।